नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से दीदा यानी कि दादी पूरी तरीके से लक्ष्मी को गले लगा लेती है और लक्ष्मी को विश्वास होगा कि हाँ मुझे पता थी कि दादी माँ एक ना एक दिन मुझे माफ़ कर देंगी। और वाकई में दादी माँ ने भी पूरे स्वतंत्रपने से पूरे खुशी के साथ में लक्ष्मी को गले लगाया है, क्योंकि वो जानती हैं कि लक्ष्मी की कोख में उनका बच्चा पल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि परिवार में इस समय कितनी खुशियां आ चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही कुछ लोग जो कि लक्ष्मी के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों अब करण लक्ष्मी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें लक्ष्मी बात नहीं कर पा रही है उससे ढंग से। लेकिन अब घर में एक बार फिर से जैसे ही आपने देखा होगा कि दोबारा देखने को मिलेगा कि मलिष्का आती है घर से और देखती है कि लक्ष्मी और साथ में ऋषि दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, जिसके बाद में मलिष्का पूरी तरीके से जो कि जलती और नफरत करती हुई नज़र आती है और बोलती हुई नज़र आएगी कि मैं जब तक इस लड़की को घर से बाहर ना निकालूं, जब तक मैं सुख शांति के साथ में बैठने वाली हूँ ही नहीं, क्योंकि ये लड़की हमारे लिए अभिशाप है और इस लड़की को हम बाहर का रास्ता भी दिखाने में एक्सपर्ट हैं और जल्दी ही इस लड़की को हम यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी और ऋषि के बीच में इस समय थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है किसी बात को लेकर, लेकिन जल्दी ही दोस्तों ये सॉल्व भी होती हुई नज़र आने वाली है। बार बार आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस विषय पे काफ़ी बात हो चुकी हैं और जल्दी ही मलिष्का भी अब इसका पीछा छोड़ने जा रही है, क्योंकि मलिष्का को लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मलिष्का होगी हमेशा के लिए घर से बाहर। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इसके आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।